हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PBR स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2, आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। बहुत ही ध्यान से देखो, ये फिगर आपके बुक में दिया है। अगर आपके पास NCERT बुक है तो आप ओपन कर लो, चाहे हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन एकदम समान होगा। कह रहा कि आकृति 6.133 में, यानी इस आकृति में, इस फिगर में PQ और RS दो दर्पण हैं। दर्पण मीन्स होता है मिरर। मिरर आप जानते हो, जिसमें आप फेस देखते हो उस तरह से। तो अगर कोई मिरर है तो उसमें ऐसे ऐसे लाइनें खींची होती हैं, अगर वो रेखा है तो सीधी सीधी होती है। तो ये क्या है, दोनों मिरर हैं। आगे कहता है कि जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। हाँ भाई, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। देखो ऐसे है, ये ऐसे है, दिख रहा है पैरेलल है, समांतर है। फिर आगे कहता है कि एक आपतन किरण, आपतन किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब कोई आने वाली किरण। जैसे अगर आप दर्पण लो, उस पर अगर टार्च जलाओगे तो क्या होगा, उस पर लाइट जाएगी, रोशनी ना, मतलब किरण उस पर जाएगी। आगे देखो, कह रहा है आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। आपतन किरण ये AB दर्पण PQ से बिंदु B पर टकराती है। एक बार फिर से सुन लो, आपतन किरण AB दर्पण PQ पर बिंदु कहाँ पर, B पर टकराती है। उसके बाद आगे कहता है और परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अगर आपके पास आपके घर में मिरर लगा होगा, शीशा लगा होगा, आप मोबाइल का फ्लैश ही जला के देखना तो क्या होगा, उस पर रोशनी तो जाएगी लेकिन वो लौटेगी भी, रोशनी वापस होती ना, मतलब शीशे पे अगर आप कोई रोशनी मारोगे तो लौट के चमकता है, आँख पे आपके चमकेगा, वापस आती है। तो उसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो पथ BC पर चलकर RS से C पर टकराती है। किससे, पथ BC से चलकर ये मिरर RS से बिंदु C पर टकराती है। उसके बाद क्या कहता है कि तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित तो हो जाती है, फिर यहाँ टकराने के बाद फिर CD से वो उधर को भाग रही है। अब आगे क्या होगा, देखो आगे क्या पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB और CD दोनों क्या हैं, ये समांतर हैं, पैरेलल हैं, ये प्रूव करना है। मतलब कौन कौन, ये रेखा AB और ये CD को प्रूव करना है कि ये पैरेलल हैं, समांतर हैं। देखने में तो लग रही लेकिन पता नहीं है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है। अब देखिए, हमारे पास ज़्यादा जगह तो है नहीं इसमें कि हम सिद्ध कर दें। आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आप क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद हम मिटा करके फिर हम इसी पे आपको इसका सलूशन दिखाएंगे। वीडियो को पीछे करके देख लेना, क्वेश्चन आप समझ लियो 3 मिनट में। चलिए इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब देखो गिवन हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है PQ RS के समांतर है, मैंने लिख लिया ये PQ जो है वो RS के समांतर है, और इसमें तीन किरण दी गई हैं, एक AB एक BC, मतलब ये AB एंड ये BC एंड ये CD, तीन किरणें दी गई हैं, वो मैंने लिख लिया। प्रूफ टू मतलब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD के समांतर है, ABCD के पैरेलल है, इसे हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, हम एक रचना करेंगे, बिना रचना के ये मुश्किल हल करना। वो रचना क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम आप कुछ भी लिख लो, मान लो मैंने M लिख लिया, और एक यहाँ पे खींचोगे जिसका नाम लिख लो N, ठीक है। ये मैंने क्या किया, रचना किया, कंस्ट्रक्शन किया। अब आप आगे ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, इसको मैं रेड कलर में कर दूँ। देखिए मैंने जो रचना किया उसको मैंने रेड से दिखा दिया आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना। मैंने ये क्या किया बच्चा, रचना किया है। अब ध्यान दो, बड़ा आसान है, वेरी सिंपल सा है। इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे, वो क्या लिखोगे पता है, यहाँ पे आप लिखोगे VM, ये लंब है किस पे, PQ पर, मैंने खींचा है नहीं, BM लंब खींचा मैंने किस पे, PQ पर, ठीक है। और एक मैंने और भी खींचा है, वो का खींचा बच्चा, वो है CN लंब मैंने खींचा, ये CN किस पे, RS पे, किस पे, RS पे। इतना लिख लो, हो गया इतना। अब प्रूफ, अब देखो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं।
भाई जो हिंदी मीडियम वाले लड़के हैं वो परेशान नहीं होंगे, ये मैंने हर चीज़ का हिंदी भी लिखा है, आप हिंदी में लिख लेना ठीक है। और रचना के बाद यहाँ पे आप इसको उत्पत्ति लिख देना चाहे तो, अगर ऐसे ही करना है तो आपको उत्पत्ति लिख देना, लो हिंदी वाले ठीक है, इंग्लिश भी लिख देना, कोई गलत नहीं काटेगा ठीक है ना, परेशान मत होना। चलो अब प्रूफ में क्या करेंगे बच्चा लोग, हम ये देखो, अगर कोई दो रेखाएं ऐसे पैरेलल हैं ठीक है, क्या हैं पैरेलल हैं मतलब कि वो समांतर हैं, तो अगर इस पर हम कोई दो रेखा खींचते हैं, जैसे देखो थोड़ा लाइट तो कम दिख रही होगी आपको, तो देखिए जैसे कि मैंने दो रेखा खींचा, ये दो रेखाएं खींचा मैंने समांतर खींचा, अगर मैं इन दोनों समांतर रेखाओं पर एक एक लंबवत रेखाएं खींच दूँ, ये देखो, तो जो ये लंबवत रेखाएं हैं ना ये आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, ये बात समझ लो ठीक है। यानी किसी भी दो समांतर रेखाओं पर खींची गई दो लंबवत रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। तो अगर भैया ये होंगी और आपको दिख भी रहा है कि हाँ हैं, तो फिर क्या करोगे, वेरी सिंपल सा है यार, अगर ये इतना होता है आप देख भी रहे हो तो आप लिख सकते हो VM पैरेलल टू, अरे ये BM पैरेलल टू CN ठीक है, क्या ये CN, कोष्ठक में कारण लिख दो, समांतर रेखाओं पर खींची गई, समांतर रेखाओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं, इसको लिख लो आप लोग, मैंने नोट कर दिया अच्छे से साफ साफ, आप इसे लिख लो, ये कारण है क्योंकि ये समांतर हैं। अब अगर कोई भी जो किरणें हैं इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, आपने प्रकाश का नियम पढ़ा होगा कक्षा 8, 7 में 9 में, तो उसमें क्या होता है, ये एंगल भी बनते हैं, एंगल 1 बनेगा भाई, एंगल ये 2, एंड इसमें भी दो एंगल बनेंगे, बनेंगे ना, एक मान लो ये एंगल 3 है और ये बच्चा का है भैया ये एंगल 4 है, देखो यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको लेकिन समझ लो ये 4 है ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, 1 है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ऐसा काहे लिख सकते हैं, परावर्तन का नियम पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना प्रकाश वाला, यहाँ उसका भी काम लगेगा, आप इंग्लिश में लिख लो ला ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ला ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है ना बच्चा, हिंदी वाले लिख लें परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, इतना आ गया अगर समझ में तो हम लोग काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। और एक बात और ध्यान देना, ये थोड़ा टफ है, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, ये बात आप मान के चलो, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, वीडियो को बार बार देखना होगा, ये मत सोचना कि हमें नहीं समझ में आएगा हम इसको नहीं पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाओगे, आगे चल के फेल हो जाओगे, हाई स्कूल में जाओगे तो और मुश्किल आएगी, इस वजह से मैथ से भागना नहीं, चूँकि इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, तो इस वजह से क्या करोगे, इसको बार बार देखोगे, वीडियो 2-3 बार देखोगे आ जाएगा, कोई बच्चा वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा, बार बार अगेन एंड अगेन प्लेलिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हो, ऊपर नंबर दिया गया, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब इसको नोट कर लो, मैं अगले पेज पे लगाऊंगा, जल्दी से इतना लिख लो, फट से लिख लो, बहुत जल्दी आपके पास टाइम है कुछ सेकंड के, वीडियो को रोक के स्क्रीन पे लिखिए, इसके आगे हम आपको दिखाने चल रहे हैं, हो गया। चलिए देखो आप सबको ये चीज़ तो पता हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है ये, जिसके अकॉर्डिंग ये तो आपने देख लिया था। इसके अलावा कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा, भैया ये काहे बराबर होगा, एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। आप कहोगे इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी में काहे नहीं बता रहे हो, इसका मतलब क्या है, हिंदी छोड़ो पहले समझ लो इसका मतलब है क्या, आप हिंदी या इंग्लिश चाहे जिसमें लिख दोगे, अंतः एकांतर कोण लिख दोगे तब भी ठीक है, ठीक है, क्या है ये एकांतर कोण है, लेकिन देखो पहले मुझे हिंदी नहीं कंफर्म इसका भाई, सीधा सीधा आप समझ लो ये होता क्या, पहले समझो, जब किन्हीं दो समांतर रेखाएं ऐसे खींची गई हैं और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, जब कोई दो समांतर रेखाएं खींची गई हों और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों साइड जो कोण होते हैं, जैसे ये देखो इधर साइड अंदर से, अंदर के, मैं केवल अंदर की बात हो रही, दोनों रेखा के अंदर में तभी वो इंटीरियर होंगे, अगर बाहर यहाँ लोगे तो एक्सटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये कोण C है, ये कोण F है, तो ये दोनों कोण क्या हैं, C और F जो हैं
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर मैं यहाँ पर एक कोण और लिख दूँ बच्चा, जिनका नाम डी और इनका नाम ई रख दूँ, हाँ, तो कोण डी और ई ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, हमेशा ये बराबर होते हैं, ये नियम होता है, ये परमीय है, मैंने सिद्ध किया पीछे, आप देख लेना, ठीक है, नहीं मिल रहा तो कमेंट करना, बता दिया जाएगा। बात समझ में आई ना? तो आप ये समझ लिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आखिर होते क्या है। जैसे आपने सुना होगा वाटर, अगर आपको कोई बोले वाटर दे दो तो आप जान जाओगे पानी मांग रहा है, आपने इंग्लिश में समझ लिया ना। हम बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में बोलते हैं उसकी हिंदी हमें नहीं पता होती है, जैसे मोबाइल बोलते हो आप, सिम बोलते हो, ट्रेन बोलते हो, ट्रेन की हिंदी जानते हो, बड़ी खतरनाक होती है, झुकझुक अड्डा ऐसे कुछ होता है ना, सुने हो, यही होता है ना। इसके अलावा हाँ, स्टेशन जैसे होता है, स्टेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, तेज से बोलो, शर्मा रहा है भाई ये पागल टाइप का है, भकभक अड्डा बोलते हैं स्टेशन को। अरे ये सब तो छोड़ो, नई चीज़ें हैं, आप कॉमर्स कहते हो ना, ये कॉमर्शियल वाहन है, सुना होगा आपने, ये कॉमर्शियल मकान है, उसकी हिंदी क्या होती पता है, व्यावसायिक, कोई ये नहीं कहता व्यावसायिक। आपने सुना होगा बिजनेसमैन, कहते हैं कि हमारे अंकल जी जो हैं बिजनेसमैन हैं, पापा बिजनेसमैन हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता हमारे पापा जी धंधे वाले हैं। अगर धंधा वाला बोल दो तो लोग बड़ा गड़बड़ समझते हैं, क्योंकि उसकी हिंदी धंधा होता है बिजनेस का, ठीक है, व्यवसाय होता है, व्यवसाय बोलो या धंधा बोलो। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम इंग्लिश में हर दिन यूज करते हैं, उनकी हिंदी हमें नहीं पता होती है। तो आप हिंदी के पीछे मत भागो भैया, उनको इंग्लिश में ही समझो, इंग्लिश में ही जियो, ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप समझ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी समझ लो बच्चा, ये जैसे अगर यहाँ पे कोई कोण बना है और इधर पे कोई कोण बनता है, ये मान लो ए और बी, तो ए बी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये भी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये सी है, ये मान लो डी है जो मैंने कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल का बी और कैपिटल का सी जो है ना बच्चा, ये दोनों बराबर होते और कैपिटल का डी और ए बराबर होता, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है, मतलब बाहरी कोण जो है, ठीक है, समझ में आया ना, ये आंतरिक कोण है जो अंदर में है। तो ये चीज़ मैंने आपको अलग से समझाया, एक्स्ट्रा समझाया, सिर्फ इतना समझाने के लिए, चूँकि आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे की जाएँ वो समझ में आनी चाहिए ना, नहीं तो कहोगे कैसे इसको बराबर कर दिया, उसको कैसे कर दिया, फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसको लिख लो, इतना आ गया समझ में, तो अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, ये मैंने पूरी कहानी आपको अच्छे से बता दिया है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं, वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दो आप लोग। अगर कोण एक कोण दो के बराबर है, कोण तीन कोण चार के बराबर है, तो हम क्या करें, समीकरण एक थी और बना था, दो जो है तीन के बराबर है। अब देखो इसमें बड़ा उलझी हुई एक गुत्थी बनेगी, समीकरण इसको दो बना लेंगे, क्या है ये भैया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये दो है, यहाँ लिखो समीकरण एक व दो से, एक व दो से, आप सबको बराबर लिख सकते हो, कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण चार, ऐसा क्यों लिख सकते हो पता है, इसलिए लिख सकते हो कि बच्चा जो एक है दो के बराबर है और जो दो है वो तीन के बराबर है, लिखा है ना, और जो तीन है वो चार के बराबर है, तो भैया तुम हमारे बराबर, हम तुम्हारे, वो है तुम्हारे, ऐसे ऐसे करके सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो एक बराबर दो बराबर तीन बराबर चार, इतना आप लिख सकते हो। लेकिन जब ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि बच्चा ये दो धन तीन, या फिर ऐसे कर लो इसको, दो बराबर तीन बराबर चार बराबर पाँच, ऐसे है, तो इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, दो बराबर तीन और या फिर दो धन तीन और बराबर चार धन पाँच लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये है कि सब इक्वल हैं, हर एक का पार्ट जो है बराबर बराबर है, तो आप दो दो को अलग अलग कर दो तभी तो बराबर रहेंगे ना, रहेंगे ना। तो कुछ ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे भैया, कर लेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे प्रोग्रेस में, और फिर हम जो लाना चाहते हैं वो आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कोण एक धन कोण दो बराबर कोण तीन धन कोण चार, ये हो गया ना बच्चा। अब एक बात ध्यान दो, कोण एक और कोण दो का मतलब क्या है, ये यहाँ से एक और दोनों, एक और दो दोनों ध्यान देना, ये और ये दोनों स्पेस, बीच वाली लाइन को ख़त्म कर दो चाहे, तो कितना बड़ा आकार ले रहा है ये, ए बी सी ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी मिला करके कोण एक कोण दो दोनों बन रहे, तो यहाँ पे आप लिखो कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा,
भाई ये ए बी सी दोनों कोण के जगह पे आया है, दोनों कोण की जगह पे ए बी सी आया है। तीन और चार कहाँ बन रहा है, ये तीन बन रहा है, ये चार बन रहा है। तीन चार का मतलब यहाँ से बी सी डी क्या है, कोण बी सी डी, ये आपस में बराबर है ना बच्चा, ये बराबर है। अब भैया ये बराबर काहे लिए हैं, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। क्या है बच्चा ये, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे देखो, अरे भाई बताने की ही बात नहीं है यार, सिंपल सी बात अभी मैंने बताया था। ऐसे है ना, ऐसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे काट रही ना, तो इधर का जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वही तो हुआ ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना। अब चाहे ये इधर से यहाँ लाइन खींच लो या चाहे जो मर्जी वो कर लो, वो तो अलग की बात है ना। तो ब्रेकेट में इसके लिख दो रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब चलो आगे, इतना हो गया, लिखो। चूँकि ए बी सी इक्वल बी सी डी जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए अल्टरनेट हो गया इतना, ठीक है। चूँकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बराबर होते हैं। भैया ये तो पहले आप समझो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन मैंने अभी अभी आपको दिमाग पिट करके बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समांतर रेखाओं पर ही बनते हैं, दिखाया था ना बना करके। तो भैया अगर ये ए बी सी बराबर बी सी डी हैं, तो ये कहाँ से आए, आसमान से तो नहीं गिरे ना, ये समांतर रेखाओं से ही पैदा हुए हैं। और सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, इधर देखने दो, ए बी समांतर सी डी, ए बी को सी डी के समांतर सिद्ध करना था, तो हो गया ना सिद्ध। लिख लो, लिखो, मैं स्पष्टीकरण लिखवा देता हूँ नीचे ध्यान से। देखो अब मैं आपको हिंदी भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा बच्चा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, अल्टरनेट मतलब एकांतर और एंगल मतलब कोण, इंटीरियर मतलब अंतः, बस एकांतर अंतः कोण। अगर इस पर एक्सटीरियर होता तो एकांतर वाह कोण। तो चलो, चूँकि ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर हैं, और ऐसा स्थिति तब बनती है जब कोई दो भी एकांतर अंतः कोण है तब, और एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बराबर होते हैं, बाकी वो बनते ही नहीं है कहीं, ठीक है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ए बी ये समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। बात समझ में आई ना, लिख लेना नीचे इसको, इतना लिखने के बाद में देखो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। चूँकि ए बी सी इक्वल कोण बी सी डी जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, हिंदी में लिख लेना एकांतर अंतः कोण हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बराबर होते हैं, अतः सिद्ध हुआ ए बी पैरेलल सी डी। नीचे लिखो, बस हो गया, अतः सिद्ध हुआ, लिख दो, बस हो गया, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों अगर आप इस तरह की बड़ी बड़ी क्लास देखना चाहते हैं, एक एक दिन में पाँच पाँच आठ आठ सवाल करना चाहते हैं, तो आप पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके उसमें प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना होगा। अन्यथा आप फ्री की ऐसे ही कुछ वीडियो पाते रहने के लिए पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल और पीबीआर स्टडी 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और पढ़ते रहें हमारे साथ कभी भी कहीं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने साथियों में खूब शेयर करना, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े हमारा और हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएं। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, हम आपको ज़रूर बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, बेहतर ढंग से बताएंगे। आप कमेंट करना, बस सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर देना, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। आप देखो तो इंडी स्क्रीन पर भी कुछ आ रहा होगा थंबनेल, उस पर आप टच करो तो अगला पार्ट चल जाएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।